स्वागत है आप सभी का सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। मित्रों, बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 जो आज 16 अगस्त को फाइनलाइज्ड हुई है, कंप्लीट हुई है, उसके आंसर की को मैंने शाम को लगभग 5 बजे आपका अपलोड किया था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉर्ट आउट किए थे, सॉल्व किए थे, और कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे तो मैंने बोला था कि एक और इसके बाद विश्लेषित वीडियो आएगी जिसमें मैं सारी चीज़ें एनालाइज करूंगा, सारे आंसर सर्च करने के बाद आप लोगों के समक्ष एक फाइनल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग कट ऑफ और फाइनल मेरिट की भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के मैक्सिमम क्वेश्चंस, और इस वीडियो में आपको ये जानकर अच्छी बात होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 यानी सभी प्रश्नों के आपको आंसर मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम मित्रों के पास जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी 2020 की परीक्षा जो आज 16 अगस्त को हुई है वो परीक्षा दी है, तो उनको अपने आंसर्स खुद यहाँ पर एकदम रियल एंड ऑथेंटिकेटेड आंसर्स, बिल्कुल सटीक आंसर हैं, और यही आयोग की आंसर की में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1 से फटाफट आंसर बस बात करेंगे। फॉरनाइट वाला जो पैमाना है इसका करेक्ट आंसर, सारे आंसर्स इसमें मैच्ड हैं, बस हम लोग देखते जाएंगे, 93.3 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण और शिक्षा का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा मिलाने का, यानी कि उपाधियों का निषेध ए का थर्ड अनुच्छेद 18 में, ये आप मैच आउट करा लीजिएगा, अपने आंसर को टिक आउट करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आंसर ही मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है, केंद्र राज्य दोनों को, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ने सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि एक विश्लेषित वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपके 1 से लेकर 120 सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएं, ताकि भविष्य में जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी भी करे तो वो इसी वीडियो से देखकर वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है और प्रिपेयर भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, ये आपका सी ऑप्शन है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर विषय और भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद हैं, है ना, तो सुमेलित करना, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, और कौन सा पद प्रश्न चिन्ह है, तो ये तो हमने सॉर्ट आउट किया था, इसका सी ऑप्शन होगा, और ये ब्लड एंड रिलेशन क्वेश्चन नंबर 8 का, ये बहु का होगा, बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, आपका कोड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डी होगा, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन 13 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सी ऑप्शन होगा, नेविगेटिंग द सेल्फी सेंचुरी, ये 14 से 16 जो 2020 में संपन्न हुआ है उसका ये है। 12वां है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, ये कोनेरू हम्पी हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है, क्वेश्चन नीति आयोग द्वारा जो ये निकाला गया है इसमें हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर डी केरल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑपरेशन वनीला जो है ये आपके मडागास्कर में है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की गई है, सऊदी अरब को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार हैं, अपने आप सेट में मिलाते रहिएगा, प्रश्न वही है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, ये कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है, तो ये महाराष्ट्र है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है जनजाति और अवस्थिति उनकी कहाँ पर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र है, भारत के राज्य हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 पे आ जाते हैं, 21 का जो ऑप्शन है कि इसमें कौन सा कथन सही है 2011 के बेसिस के हिसाब से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नागरिक जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर
असंकुल थे। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। 22 पे आ जाते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष वाले 100 बालिकाओं पर संख्या पर कितने सर्वाधिक संख्या कहाँ पर बालकों की थी, तो सी ऑप्शन हरियाणा में है, ये आपको पता भी है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, शरीर की सतह जो पसीना वाला है तो ये ए और बी इसका दोनों सही था। 24वें में आ जाते हैं तो कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं था, तो ये मैग्नीशियम, इसको हमने शॉर्ट आउट किया था। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, लेकिन इसमें हम पूरा 1 से लेकर 20 तक बता रहे हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे आंसर मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन तो यह कुछ अम्लीय होता है, ये ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। 26वां ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन वाला जो प्रश्न था, इसमें मधुमेह होगा सी ऑप्शन, दोनों हम लोगों ने बात की थी। 27 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन होगा 1, 3 और 4। 28 पे आ जाते हैं, 28 में दिया गया है कि कथन निष्कर्ष वाला है कि भारत में मंत्रिपरिषद वाला, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, ए और आर दोनों सही होगा और ए सही व्याख्या भी है। 29वां है कि पंचायती राज जो प्रश्न है इसका सी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, तो ये भाग 12। 31वां एक बड़ई है तो ये 73 आपके कुर्सियों का निर्माण करेगा सी ऑप्शन। 32वें पे आ जाते हैं तो QRSU सी ऑप्शन। 33वें पे आ जाते हैं तो ये आपका बृहस्पतिवार बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं तो इसका 27 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। 35वें पे आ जाते हैं तो 35वें का 35 ही आएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 36वें पे आ जाते हैं तो 36वें का यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा सी ऑप्शन। 37वें पे आ जाते हैं तो इसमें 50 डिग्री होगा और 38वें पे आ जाते हैं तो 84 संख्या बड़ी संख्या होगी। अब आ जाते हैं आगे 38 के आगे, और जितनी जल्दी हो सकता है हम इसको डायरेक्ट आंसर ही आपको बताएंगे ताकि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। 39वें प्रश्न 39 पे आ जाते हैं तो इसका देश के सबसे बड़े राज्यों के समय में 2019 में सुशासन सूचकांक तमिलनाडु बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 40वें में आपका बी ऑप्शन होगा, अप्रत्यक्ष करों को व्यवस्थित क्यों किया जाता है कि ये सभी समूहों में समान दरों पर लगाए जाते हैं बी ऑप्शन। 41वां भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2024 में प्राप्त करना चाहता है बी ऑप्शन। 42वां कौन सा कथन 15वीं वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। 43वां 43 का जो यहाँ पर दिया गया है ये ए ऑप्शन जो है कूट सही है 4, 2, 1, 3। 44 में शासन सुमेलित करना था आपको, शासक और इनकी रानियाँ, तो ए ऑप्शन होगा 3, 1, 2, 4। मिलाते रहिएगा अपने अपने जगह, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, समाचार पत्र और संस्थापक दिया है क्वेश्चन नंबर 45, तो सी ऑप्शन तहजीब उल अलाका मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये सुमेलित नहीं है। 46 पे आ जाते हैं, 46 से आपका एक सूची दो को सुमेलित करना है, तो ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, इसका ए ऑप्शन 3, 1, 2, 4 बिल्कुल सही है। 48वें पे आ जाते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला आर्य समाज आर्य आंदोलन, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे लाला लाजपत राय से संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन ना तो एक ना तो दो ही सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 50वां विलय का सिद्धांत जो है ये 3, 1, 3, 4, 2 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 51वां गन्ने के उचित पारिश्रमिक मूल्य जो है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 52वां प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का, तो इसमें ए ऑप्शन ये सूरजमुखी वाला है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं इसमें और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 53वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का रिजर्व रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 5.15 और 4.9% बिल्कुल सही सी ऑप्शन। 54 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वाले में सी ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही होंगे। 55वें में सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में उत्तर प्रदेश में नोएडा जो है माना जाता है डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न और उस पर क्षेत्र कृषि वानिकी वाला जो ये प्रश्न है, तो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं 57वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जो है प्रतापगढ़ में अमरूद जेली जो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकप्रिय उत्पाद जो है यहाँ पर दिया गया है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 58वें पे आ जाता है अगरिया वैगा भुया अनुसूचित जातियाँ जो हैं ये सोनभद्र सी ऑप्शन।
में पे आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो ये एजोल, सी ऑप्शन, एजोला। 60वां, कौन सा सुमेलित नहीं है 60वें में? एक तरफ गायक है, एक तरफ गायन शैली दी गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 61वें पे आ जाते हैं। तो 61वां जो प्रश्न है, लेखकों के नाम है और उनके उपनाम दिए गए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, 3421 बिल्कुल करेक्ट होगा। 62वां, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कौन सा सत्य है? तो आपका सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। 63वां, ग्रीन प्रेस इंडिया द्वारा 2020 में जो जारी रिपोर्ट है वो झरिया जो है इसमें सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, बी ऑप्शन। 64 प्रश्न जो है इसमें केवल दो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली जो है केवल दो वाला ऑप्शन। 65वें में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, एक तरफ नगरें हैं और उनकी नदियाँ दी गई हैं, तो सी ऑप्शन होगा। 66वां प्रश्न में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, होकाइडो, होनशु, शिकोकु और क्यूशु, ये आपको याद रखना है, जापान के चार प्रमुख जो हैं द्वीप जो उनके नाम हैं। 67 पे आ जाते हैं। तो कथन निष्कर्ष वाले विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 68वां प्रश्न है, इसमें परियोजना और एक तरफ नदियाँ दी गई हैं, जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। एकदम फास्ट में बता रहा हूँ ताकि आपका समय कम से कम लगे और 1 से लेकर 120 प्रश्न सारे सम्मिलित हो जाएं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना मित्रों। चलिए 69 पे आ जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्रीस के संदर्भ में कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों, सी ऑप्शन। और 70वां प्रश्न पे आ जाते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया, एक तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2, 3, 4। 71वां प्रश्न है रेलगाड़ी वाला, तो ये 100 मीटर सही होगा। 72वें में 20% लाभ होगा, और ये सब गणित के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो 71 हो गया, 72 हो गया। आगे है कि मूलधन का 5% प्रतिवर्ष वाला है, तो इसका 8000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। और 74वें पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर GDP का 3.3% ए ऑप्शन हो जाएगा, राजकोषीय घाटा जो 2019-20 के लिए है। 75वां देखते हैं। तो 2019-20 में भारत के किस धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक जो रखा गया है, यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आ जाते हैं 76वें पे। तो 76वें का क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो कालानुक्रम के जरिए, तो 3, 2, 1 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 77 पे आ जाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों का हाल आपको लगाना है, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। 78 सहस्री और संहिता का उपनाम महाभारत है, डी ऑप्शन। कार्दम क्षेत्रों में आपका प्रोटीन होगा, सी ऑप्शन। तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका बी ऑप्शन होगा, 4, 3, 1, 2। 81वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में, बी ऑप्शन। 82वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने, तो ये चौरी चौरा की वजह से, डी ऑप्शन। 83 गदर पार्टी सम्मिलित आपका खुदीराम बोस नहीं है, विद्रोह और वर्ष 84वें प्रश्न में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका फूफी विद्रोह जो था ये यहाँ पर गलत दिया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 85वां में आपके बाल गंगाधर तिलक होंगे, जो मैं तो एक भारतीय आपका नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोहेवे को जगाना है। 86वां प्रश्न है, तो यहाँ पर गांठ गठन के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ये ऑप्शन। और 1 किलोग्राम जो है इसका 2.2 किलोग्राम होगा, यूरिया का मात्रा होगी। और 88वें प्रश्न पे पीएच वाला था, तो एक और दो दोनों इसका सही था। 89 पे आ जाते हैं। तो 500 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपना नाम लगाया है या क्या वहाँ पर दर्ज कराया है। 90वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ रिहंद है, डी ऑप्शन, ऊर्जा संयंत्र। दूसरा यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, सी ऑप्शन, कानपुर। हमने यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट किया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। 92 पे आ जाते हैं। 92 उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे के लिए सर्वाधिक है, फेमस है, तो ये आपका है फर्रुखाबाद, ए ऑप्शन। 93 पे आ जाते हैं। एक तरफ संस्थान दिया, एक तरफ उसकी अवस्थिति दी हुई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 4, 1, 2, 3। 94 प्रश्न उत्तर प्रदेश के संबंधित है, तो इसका 1, 2, 3 दोनों तीनों कथन इसका सही है। 95 उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से, ए ऑप्शन। 96 पे आ जाते हैं।
कथन निष्कर्ष है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा के बारे में, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर गलत है। 97 पे आ जाते हैं, ये भी निष्कर्ष और कथन है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करने के ऊपर है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवन में शामिल नहीं है, तो ये आपका राइटर्स बिल्डिंग है, डी ऑप्शन। 99 पे आ जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 जनवरी में कौन सा देश सबसे अधिक प्रकोप से खसरे से आपका ये है, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है, तो ये आपका नाइजर हो जाएगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं, तो जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को विकमिंग के लिए सम्मानित किया गया है। 102 के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में USA, ये गलत है, उनका सेकंड पोजीशन थे, यहाँ पे 4 दिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 103 में 3 जनवरी 2020 वाला जो ये दिया गया है 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेगनेंसी अवार्ड, तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 104 में सन 2020 में COP26 जो है ये मैड्रिड में आयोजित किया गया है, किस प्रस्तावित जो है इसमें देख लीजिएगा, ग्लासगो या मैड्रिड, इन दोनों में से ऑप्शन, इसमें मैंने पिछली वीडियो में ग्लासगो बताया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 105वें पे आ जाते हैं, अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है, ये कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। 106 पे आ जाते हैं, कौन सा पास के मैदान है और घास के मैदान और महाद्वीप, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 4-3-2-1, ठीक है। 107 पे आ जाते हैं, बांस एक जादुई घास है, तो ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सी ए जम्मू होगा। 108 पे आ जाते हैं, जनजाति और उनका क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट। 109 पे आ जाते हैं, 109 है आपका लिग्नाइट कोयला जो है ये आपके नवेली में बड़ा क्षेत्र है, नवेली, सी डी ऑप्शन। 110 भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती, बी ऑप्शन। 111 नहर परियोजना और अवस्थिति, तो जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं है, डी ऑप्शन। 112 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो डी ऑप्शन, भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। 113 पे आ जाते हैं, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से अवस्थित संबंधित है, तो धारवाड़ से, टी ए ऑप्शन। 114 पे सेल्वा वनों की विशेषता क्या है, तो ये जो है ये सीढ़ी जो पत्ती होती है सदाबहार होती है, इनकी चिड़ी पत्ती जो सदाबहार होती है। और आ जाते हैं 115 पे, 115 सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो है देहरादून, ए ऑप्शन। 116 भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1986, ये सबको पता है, 1986, बी ऑप्शन। 117 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में है, तो डी ऑप्शन, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। 118 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ दिया हुआ है, एक तरफ घटना दी एक तरफ यौगिक दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 3-4-2-1। 119 में माइकोराइजा एक सहजीवी है, ये कवक और पौधों के मध्य होता है, ये हमने डिस्कस किया था, सी ऑप्शन। और 120वां विटामिन के बारे में तो हमने बताया था, कीड़ा आपको याद रखना है ट्रिक से, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन। तो जितनी जल्दी हो सकती है मैंने पूरी कोशिश की 120 प्रश्नों की, तो यहाँ पर जिस प्रकार का प्रश्न है थोड़े से करंट आपको उलझा सकते हैं, बाकी GK अपने आप में बहुत अच्छा था, UP स्पेशल के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे यहाँ पर, जनगणना 2011 से भी आपने प्रश्न देखे हैं। तो ये जो कट ऑफ है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 120 के क्वेश्चंस हैं, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कट ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ 120 प्रश्नों में से, तो 90 प्लस में ही आपको यहाँ पर आप सियोरिटी अपनी मानिएगा, बाकी 309 पद हैं और 1700 से ज़्यादा लोग एक पद के लिए दावेदार हैं, तो इससे ज़्यादा भी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल जिस नाम से हमारा चैनल है वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार देते रहिए, और चैनल पर रहते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।